लगातार प्रदर्शन के बाद पैंथर्स पार्टी के कुछ नेता हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कारण है कि आज आप प्रदर्शन लगातार कर रहे थे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैं राजेश पुरगोत्रा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नेशनल पैंथर्स पार्टी जम्मू। आज हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का पुतला जो हमने यहाँ पे जलाया है जम्मू में, ये इसलिए है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में जिस तरीके से वहाँ पे एक करप्शन का अड्डा बना हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे इररेगुलरिटीज वहाँ पे हो रही हैं, रोस्टर चेंज किए जा रहे हैं, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC अपनी मनमानी कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि लगभग 10 करोड़ रुपये का जो घोटाला इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर अशोक अमन ने वहाँ पे जो किया हुआ है, हमने इसकी इंक्वायरी के लिए हमने CBI के पास हम गए। CBI ने जो है वो ACB को रेफर कर दिया, और आज DSP रैंक के एक ऑफिसर जो है वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC को रिमूव नहीं किया जाता, तब तक इंक्वायरी जो है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो सकती। इसलिए हमारी LG साहब से ये अपील है कि इस VC को फौरी तौर पे वहाँ से रिमूव किया जाए इमीडिएटली, और जम्मू का डोगरा VC वहाँ पे अपॉइंट किया जाए, और जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक कश्मीर की कॉलोनी बना के रख दिया है, 75% के तकरीबन लोग हैं जो इस VC ने वहाँ पे अपॉइंट किए हुए हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू बहुत ही जद्दोजहद करके जम्मू के लोगों ने इंस्टॉल करवाई थी जम्मू में, लेकिन आज जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कश्मीर के लोग भर्ती किए गए हैं, और 90% कश्मीर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जो है वो कश्मीर के लोग भर्ती किए। क्या जम्मू के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या जम्मू के प्रोफेसर जो हैं इस काबिल नहीं है कि इस VC के पोस्ट के? और जिस तरीके से इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लूटा है, पैंथर्स पार्टी ये डिमांड करना चाहती है कि इसको रिमूव करना ही एकमात्र विकल्प है। और आज देखिए इसका बंगला, 5 करोड़ रुपये का बंगला सैनिक कॉलोनी में कैसे बन रहा है इसका। इसके 2 फ्लैट जम्मू के सैनिक कॉलोनी में प्रीति अपार्टमेंट में, दिल्ली में इसके फ्लैट हैं, गांधीनगर में इसका 7-8 करोड़ रुपये का बंगला है। यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फंड्स को जिस तरीके से इस वाइस चांसलर, इस करप्ट वाइस चांसलर ने लूटा है, तो पैंथर्स पार्टी इसको टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है, और जब तक इसको रिमूव नहीं किया जाता, पैंथर्स पार्टी लगातार जो है वो धरने प्रदर्शन करेगी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो है एक जोरदार प्रदर्शन करेगी, और BJP को जवाबदेह बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन फ्री सिस्टम का जो नारा दिया था जम्मू कश्मीर में, आज वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ACB और CBI पर भरोसा नहीं है आपको? देखिए, हमें CBI के ऊपर भी बहुत ही भरोसा है, और ACB के ऊपर ही उतना ही भरोसा है। अगर वो लोग अपना काम कर रहे हैं तो उसके बावजूद आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको CBI पर और ACB पर भरोसा नहीं है? मेरी बात सुनिए सर, जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कल्प्रेट बनता है, जो पावर जिसके पास पावर है उसकी इंक्वायरी जो है वो हो रही है, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके वो इंक्वायरी को इंटरप्ट कर सकता है, इसलिए उसको ACB जो है वो VC के अंडर आ जाएगी, दबाव में आ सकती है। किस तरह से CBI तो फ्री होती है, ACB तो फ्री है, एक पावर क्या है इस जो वाइस चांसलर उसके पास की वो उनको दबाव में लाते हैं कि मेरी बात सुनिए, 1 साल हो गया है इसको रिटायर हुए, अभी तक इसको जो है वो भारतीय जनता पार्टी वाले एक्सटेंशन के ऊपर एक्सटेंशन जो दे रहे हैं, ये किस लिए दे रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लूटने के लिए सिर्फ उसको वहां अब आपकी जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट उनकी हो चुकी थी, उसके बाद भी उनको वहां पर एक्सटेंशन लगातार दी जा रही है। हाँ। तो आप जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मुद्दा, क्या आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी एक ही मांग है कि उसको, प्रोफेसर अशोक अमा को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC से इमीडिएटली रिमूव किया जाए, और जम्मू का कोई डोगरा VC जो काबिल है, क्या जम्मू के लोग ऑफिसर काबल नहीं है जो इस VC के पोस्ट के हैं? उससे क्या होगा अगर जम्मू का डोगरा आ जाएगा तो? ये है कि एक तो उसकी रिटायरमेंट है, ये किस लिए वहाँ पे बिठाए रखा है? उस पर आए ना आप, कि जो आप कह रहे हैं कि जम्मू का डोगरा आ जाए, वो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, जम्मू का डोगरा वो इसलिए है कि जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को इंस्टॉल करवाने के लिए जम्मू के लोगों ने, जम्मू के डोगरों ने 2 महीने एजिटेशन की है,
और अगर ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ये काम करता तो हमें आज नौबत ना आती, लेकिन 75% कश्मीर के लोगों को उसने भर्ती कर दिया और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को इससे पहले बना दिया। इससे पहले इनसे पहले जो लोग वाइस चांसलर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वो सही थे? बिल्कुल, SS ब्लोरिया साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ काम किया। देवानंद सर वहाँ पे जो थे उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को एक अपलिफ्ट करने में पूरा पूरा योगदान दिया, लेकिन जब से 2015 से प्रोफेसर अशोक अमन है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के VC का जो कार्य वहाँ पे काम का सौंपा जारी रखा है, तब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी को बर्बाद करके रख दिया। अगर अगर अभी भी उसको नहीं हटाया जाता तो आप पैंथर्स पार्टी क्या करें? पैंथर्स पार्टी जबरदस्त तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेगी। हम LG जो वहाँ पे गवर्नर हाउस के बाहर भी प्रदर्शन करेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वहाँ पे भी प्रदर्शन करेंगे, और जब तक इस करप्ट VC को रिमूव नहीं किया जाता पैंथर्स पार्टी। आप बार बार करप्ट का शब्द जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास कोई तथ्य हैं कि वो करप्ट हैं? हमारे पास एविडेंस हैं और हमने एविडेंस जो हैं वो ACV के DSP रैंक के जो ऑफिसर इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं उनको हमने वो सबमिट करवा दिए हैं। अगर फिर भी कोई शंका है तो हमारे पास और भी बहुत, अभी तो ये शुरुआत है, अभी वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वहाँ तो हमारी जो बहनें सुरक्षित नहीं हैं, फीमेल वहाँ पे जो एम्प्लाई हैं वो सुरक्षित नहीं है, वहाँ पे तो ये शराबियों का अड्डा, ये करप्शन का अड्डा वहाँ पे बना हुआ है, इसलिए अभी ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। पैंथर्स पार्टी के लोग लगातार जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और इनकी एक ही मांग है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं उन्हें तुरंत जो है वो बदला जाए, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और उन्हें एक्सटेंशन जो है वो देकर वहीं पर बिठाया गया है, जिससे जो है करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। अब देखना ये है, इनका ये भी कहना है कि CBI और एंटी करप्शन ब्यूरो इसकी जांच कर रहे हैं, अब देखना यह है कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और कितनी जल्दी अशोक आइमा को वहां से हटाया जाता है या नहीं, यह आने वाले समय में पता चलेगा। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।